इंटरव्यू तो दो। बोलिए सर, थोड़ा सा तो बोलिए, आप जहाँ पर कार्रवाई होनी होती है वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सब जगह जहाँ की कंप्लेंट होती है सर, वहाँ की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सर? सारे की कंप्लेंट है, सारे की कार्रवाई चल रही है। कहाँ पर है सर? यहाँ की कंप्लेंट है सर, यहाँ पर कब कार्रवाई होगी? बोलिए सर। दीवा प्रभाग समिति AMC अक्षय बुड़गे का तोड़क कार्रवाई में सौतेला व्यवहार। एक तरफ किया पोकलैंड का वार, तो पड़ोसी अवैध इमारत पर दिखाया प्यार। मैं हूं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। पिछले दिनों ठाणे के पालक मंत्री शंभुराज देसाई ने ठाणे शहर में चल रहे अवैध निर्माणों पर सख्त रवैया अपनाया था और ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर को ठाणे शहर की कई प्रभाग समितियों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की कार्रवाई करने के आदेश के बाद ठाणे मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने सभी प्रभाग समिति के AMC को आदेश दिया था कि उनके हद में चल रहे अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और किसी भी इमारत में पानी और बिजली कनेक्शन ना दिया जाए और ना ही टैक्स लगाया जाए। इस आदेश के बाद खासकर मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, मगर कार्रवाई होने के बाद भी दीवा प्रभाग समिति में कई अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। अवैध इमारत को बनाने वाले बिल्डरों को कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि दीवा प्रभाग समिति के अधिकारी दिखावे की कार्रवाई करते हैं। हम आपको दीवा प्रभाग समिति के हद में आने वाले खान कंपाउंड में दीवा प्रभाग समिति AMC अक्षय गुड़गे द्वारा की गई कार्रवाई की वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण पर दिखावे की कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पोकलैंड से प्लिंथ तोड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ उसी से सटी अवैध इमारत को अनदेखा किया जा रहा है। क्या दीवा प्रभाग समिति के AMC को यह अवैध इमारत दिखाई नहीं दी? आपको बता दे, खान कंपाउंड में मेन रोड पर बन रही इस अवैध इमारत की शिकायत 19 जून को दी गई थी, मगर इस इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक इसी अवैध इमारत के पीछे दीवा प्रभाग समिति AMC द्वारा प्लिंथ पर पोकलैंड का वार किया जाता है, मगर इस इमारत को छोड़ दिया जाता है और इसी अवैध इमारत से 200 मीटर दूर बबलू कंपाउंड में जाकर सिर्फ दिखावे के लिए इमारत का कुछ हिस्सा और स्लैब डालने के लिए डाली गई सेंट्री को गिराया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्लिंथ को तोड़ा जाता है, ठीक उसके कुछ कदमों की दूरी पर बन रही अवैध इमारत अनदेखी कर दी जाती है और 200 मीटर दूर इमारत पर दिखावे की कार्रवाई की जाती है। आखिर क्यों? इस मामले पर जब दीवा प्रभाग समिति के AMC से हमने सवाल करना चाहा तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। इंटरव्यू तो दो। बोलिए सर, थोड़ा सा तो बोलिए, आप जहाँ पर कार्रवाई होनी होती है वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सब जगह जहाँ की कंप्लेंट होती है सर, वहाँ की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सर? सारे की कंप्लेंट है, सारे की कार्रवाई चल रही है। कहाँ पर है सर? यहाँ की कंप्लेंट है सर, यहाँ पर कब कार्रवाई होगी? बोलिए सर। एक तरफ ठाणे महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर अवैध निर्माण को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीवा प्रभाग समिति AMC अवैध निर्माणों पर दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध निर्माण करने वाले के हौसले बढ़ा रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिन अवैध इमारतों की शिकायत की जाती है उन्हें तोड़कर जमीन दोस्त किया जाएगा या दिखावे की कार्रवाई कर अवैध इमारत बनाने वाले के हौसले बढ़ाए जाएंगे। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।